जितने लोग ये रेसिपी देख रहे हैं मेरी लखनऊ से आई थिंक वो सब लोग तो जानते होंगे इसके बारे में मूंग गोश के बारे में एंड आप लखनऊ जाओगे तभी आपको इसका रेस पता चलेगा क्योंकि मेनली वहीं पे बनता है तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो चलिए आज सीखते हैं सबसे पहले आपने ऑयल में देखिए यहाँ पे हल्के से खड़े गरम मसाले को सौते कर लेना है ये मेरे एक घंटे भिगोए हुए मूंग है इसको भी हमने सौते कर लेना है दो से तीन मिनट के लिए उसके बाद डेढ़ कप यहाँ पे ऐड कर देंगे दूध नमक एंड हल्दी यहाँ पे शामिल करिए एंड जब एक अच्छा यहाँ पे एक बॉइल आ जाए उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है चार कप पानी एंड मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया था प्रेशर कुकर में एंड मैंने यहाँ पे चार विसल दी है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से घोट लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दाल को आपने अच्छे से घोट लेना है उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे ऑयल रफली यहाँ पे प्याज को कट कर लीजिए सारे खड़े गरम मसाले हल्की से जब आपकी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने यहाँ पे शामिल कर देना है मटन टू टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कीजिए एंड गार्लिक का पेस्ट एंड अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है बहुत अच्छी तरीके से जितने ही अच्छी तरीके से आप मटन को उस पे भूनेंगे ना उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा निकल के आएगा उसके बाद सारे स्पाइसेज यहाँ पे हमने ऐड कर देने हैं पानी एक कप के करीब यहाँ पे ऐड कीजिए फिर जब एक अच्छा बॉयल आ जाए इसे कवर कर दीजिए कम से कम आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में आप इसको बना रहे हैं तो फोर यहाँ पे विसल दीजिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मटन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है बॉइल्ड हुई अपनी मूंग दाल यहाँ पे ऐड कर देंगे एक कप यहाँ पे आपने ऐड कर देना है पानी एंड अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एंड कवर कर देंगे कम से कम चार से पांच मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम बस लास्ट में यहाँ पे स्मोकी फ्लेवर देना बिल्कुल मत भूलिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत ज्यादा इसका जायका बढ़ जाता है होम गोश्त बल्कि हमारे रेडी हो चुका है बस लास्ट में इसे फिनिश करें गर्म मसाले से सो ये रेसिपी आप तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा